वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टे पेन फेन हेल्थी और मैं हूँ डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल कैसे बनाएं और कौन से ऐसे टिप्स होते हैं जिससे हम इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल बना सकते हैं, मतलब इम्प्लांटेशन हमारा अच्छे से हो सकता है। तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल बनाने के लिए आज हम कुछ टिप्स आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो पे पूरा देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना और पसंद आएगा तो लाइक कर देगा और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में, हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एक बार जाके चेक करिएगा। बट अभी का जो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अबाउट इम्प्लांटेशन से हाउ टू मेक योर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल, सो पहले हम डिस्कस करेंगे ल्यूटियल फेज। तो आज हम बात करेंगे ल्यूटियल फेज की। ल्यूटियल फेज कौन सा फेज होता है? ल्यूटियल फेज ऐसा फेज होता है जो आपके ओव्यूलेशन के बाद, जब आप इंटरकोर्स करते हैं तब से लेकर आपके मेंसुरेशन होने के स्टार्टिंग तक, उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। इस दौरान ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। अगर आप अपने ओव्यूलेशन टाइम पे इंटरकोर्स करते हैं और वो सक्सीड हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल काफ़ी लोगों का नहीं होता है, वेदर दे आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट और इस ओव्यूलेशन के दौरान बहुत मुश्किल से काफ़ी लोगों में समस्या आती है कि ओव्यूलेशन के टाइम इंटरकोर्स करा देन स्टिल वी आर नॉट प्रेग्नेंट, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। सबसे पहले बात हम डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, ल्यूटियल फेज को हम इंक्रीज कैसे करें, ल्यूटियल फेज को इफेक्टिव कैसे बनाएं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। ऑब्वियसली खाना पीना स्टार्टिंग से बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता है। तो खाना पीना बहुत ज़रूरी है। तो खाने में क्या खाना है? खाने में आपको ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाना है, बिकॉज वार्म फूड खाना है। खाना ठंडा खाने से आपके यूट्रस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ठंडा, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा शौक है, गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा शौक है आइसक्रीम खाने का, कोक्स पीने का, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, तो इसको आप बिल्कुल मना नहीं लेना है आपको अपनी डाइट में, बिकॉज ऐसा करने से आपकी बच्चेदानी को एक ठंडा इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है जो इम्प्लांटेशन के लिए सही नहीं होता है। अगर आप वार्म फूड खाते हैं तो वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट देता है बच्चेदानी को, यूट्रस को, दो इम्प्लांटेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। इसलिए आपको ठंडा खाना नहीं खाना है, आपको रॉ फूड्स नहीं खाने हैं, जस्ट लाइक आप बाहर से जाके चिप्स ले आते हैं, वेफर्स, ये सब आपको नहीं खाना है। आपको जो खाना है मोस्टली आपको अच्छा खाना खाना है। और अच्छा खाने में क्या? अच्छा खाने में सब्जी खाइए, प्रोटीन्स रिच डाइट लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, मतलब दालें खानी है, हरी सब्जियाँ खानी है, कार्ब्स को भी थोड़ा कम करें, और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्दी होने वाली है, ठीक है। तो आपको अपनी ग्रीन वेजीज लाइक ब्रोकली हो गया, आपके स्पाइनिच हो गया, ये सब आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज इसमें फॉलिक एसिड भी होता है और फॉलिक एसिड भी प्रमोट करता है आपके इम्प्लांटेशन को। तो आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजीज लेनी है एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोक्स को नो करना है, ठीक है। कोल्ड सब्सटेंसेज एनीथिंग, उसमें कुछ भी इंक्लूड सोडा वगैरह वो भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अपनी डाइट से बिल्कुल चीट नहीं करना है। उसके लिए आपने क्या करना है? आपको ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन में क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर वीडियो बना चुका है, एक बार जाके चेक करिएगा। तो आपको कैफीन को बिल्कुल कम करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा सा रिड्यूस करिए, और कैल्शियम लेने का सोर्स है बहुत सारे, जिसको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है वो भी, और अदर एसोसिएटेड जैसे फिश वगैरह हो गए वो भी ले सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सबसे पहले डाइट का ध्यान रखना है, जो खाएंगे वही लगेगा बाद में, तो बाकी सारी चीज़ें हैं, और सबसे पहले अपनी डाइट पर फोकस करिए और उसके बाद हेल्दी हेल्दी अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा चीज़ पर ध्यान देना है? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बच्चेदानी का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चेदानी को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चेदानी को गर्म रखने के लिए हमने सबसे पहले बात करी खाने की, कि हमको गर्म खाना खाना है, ठीक है, मतलब ठंडा खाने को अवॉइड करना है नॉर्मल, और थोड़ा सा वार्म फूड आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, आपको पता है आप नंगे पैर जब चलते हैं तो पैर का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी बच्चेदानी से होता है, बिकॉज अगर आप नंगे पैर चलते हैं ऑब्वियसली नीचे ठंडा फर्श है तो वो आपकी बच्चेदानी को भी एक ठंडा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो आपके एम्ब्रियो के अटैचमेंट के लिए, इम्प्लांटेशन को डिक्रीज करता है, अटैचमेंट के लिए इम्प्लांटेशन होने को डिक्रीज करता है। तो आपको नंगे पैर नहीं रहना है, आप स्टॉकिंग्स पहनिए, आप सॉक्स पहनिए, आपको बेयर फुट बिल्कुल नहीं, आप स्लीपर्स पहनिए, पानी में ज़्यादा देर अगर काम करना है तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, जैसे स्लीपर्स वगैरह हो गए, बट आपको ठंडे पानी में नहीं रहना है, ठंडे फर्श में नहीं घूमना है, बिकॉज इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके बच्चेदानी से, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफेक्ट तो करेगा। अगर आप बेयर फुट घूमते हैं और नंगे पैर घूम रहे हैं और थोड़ी बहुत ठंडी लगी तो आपके बच्चेदानी को भी इफेक्ट कर सकता है, इम्प्लांटेशन को भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने भी बताया है इम्प्लांटेशन का गर्म होना बहुत जरूरी, इम्प्लांटेशन के लिए बच्चेदानी का गर्म होना बहुत जरूरी है। तो बच्चेदानी को एक वार्म एनवायरमेंट, एक हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए
आपको जो है, जो मैंने अभी बताया, इन सब चीज़ों का फॉलो करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक नॉर्मल, जो काफ़ी लोगों को पता है, बट कुछ लोग अभी भी इससे इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, जैसे नेक्स्ट मतलब आप जैसे कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने जैसे नॉर्मली खाना खा लिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ड्यूरिंग योर ल्यूटियल फेज, आई एम टॉकिंग अबाउट जो ल्यूटियल फेज होता है, उस दौरान आपको क्या करना है, आपको खाना खाने के बाद अपने पैर को वॉल अप पोजिशन जो होती है, जो आप सीधे लेटते हैं, अपने पैर को स्टक करते हैं वॉल पे 90 डिग्री पोज में, ऐसे आपको रहना है एटलीस्ट 10 मिनट तक। ये क्या करता है, देखिए जैसे हम कोई भी योगासन करते हैं, हम अपने तो क्या उस एरिया का पर्टिकुलर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से लेटना है। अब आप अगर इस तरीके से 90 वॉल पोजिशन में लेटेंगे तो आपके बच्चेदाने की तरफ सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके ल्यूटियल फेज में इंक्रीज, ल्यूटियल फेज आपका इफेक्टिव होगा, फर्टिलिटी आपकी इंक्रीज कर सकती है। तो वाइल आपका ल्यूटियल फेज चल रहा है, आप खाना खाने के बाद शाम को आराम से सोने से पहले इस तरीके से वॉल ऑफ पोजिशन करेंगे तो आपके बच्चेदानी की तरफ सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो इफेक्टिव होगा आपके इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो इस बात का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जिन लोगों को, जो लोग बहुत ज़्यादा टाइट नॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट लाइक एब्डोमेन में, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट पैंट पहन लिया, टाइट नाड़ा लगा लिया, अगर आप इफ़ यू आर वेयरिंग एंड सलवार सूट, वैसे तो आजकल लेगिंग्स ट्रेंडिंग पे है, बट इफ यू आर स्टिल इफ यू आर वेयरिंग नाड़ाज एंड बिकॉज साड़ी में तो नाड़ा ही लगेगा ना, तो साड़ी में नाड़ा थोड़ा सा एक एज पर एज योर टॉलरेंस करिए, ज़्यादा टाइट मत बांधिए उस एरिया में, पर्टिकुलर बच्चेदानी के एरिया में, उससे भी आपका इम्प्लांटेशन इफेक्टिव हो सकता है। तो टाइट बेल्ट, टाइट जीन्स, इन सबको अवॉइड करिए अगर आप इम्प्लांटेशन अपना सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, अगर आप हाई हील्स के शौकीन हैं तो आपको हाई हील्स को थोड़ा रिड्यूस करना है, बिकॉज अगर आप हाई हील्स पहनते हैं तो आपका जो सर्कुलेशन होता है बच्चेदानी की तरफ वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है और आपका इम्प्लांटेशन काफ़ी तक सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए अगर आप हाई हील्स वगैरह पहन रहे हैं उसको भी कम करिए, बिकॉज सर्कुलेशन होना बच्चेदानी की तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको हाई हील्स वगैरह नहीं पहननी है। आइदर वेयरिंग फ्लैट्स और शूज़ एज पर एज योर कंसर्न, थोड़ा सा जिस भी फील्ड में आप हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सीडलिंग साइकिल, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा सीडलिंग साइकिल के बारे में। तो इसमें स्मूदी बनाते हैं विद द सीड्स आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो जस्ट लेट मी नो। सीडलिंग साइकिल इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू कंसीव फॉर इम्प्लांटेशन। तो सीडलिंग साइकिल भी एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं और उससे आपका इम्प्लांटेशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगा। तो जस्ट लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट सीडलिंग साइकिल के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रोकोस, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स used to get confused about whether we have to go towards intercourse or not after implantation. देखिए ovulation के दौरान तो it is very necessary to go for intercourse because वही आपका pregnancy का सबसे best time होता है। ovulation के दौरान आप intercourse करिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट इम्प्लांटेशन अगर आपका हो गया है तो आपको एटलीस्ट मतलब इंटरकोर्स के लिए थोड़ा सा आपको कहेंगे एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आफ्टर इम्प्लांटेशन आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, और करना भी है तो एकदम ना के बराबर, ठीक है। एटलीस्ट फॉर 15-20 डेज अंटिल अनलेस आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तो इंटरकोर्स आप चाहें तो आप आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद आपको इंटरकोर्स नहीं करना है जब तक आपका टेस्ट नहीं होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। रिवर्स सोनोग्राफी में रिवील हो जाता है दैट यू आर प्रेगनेंट, तो इट्स अ वेरी अच्छी वाली न्यूज़। तो एज आपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके देन यू कैन गो फर्दर, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरकोर्स करना है कि नहीं करना है अपना इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको इंटरकोर्स को थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा, और आपका जैसे सोनोग्राफी एंड आपका रिवील हो जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट में कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप इस चीज़ को अपने डॉक्टर से सलाह लेके कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके इंटरकोर्स की। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी वाली फीलिंग। ऑब्वियसली आपका इम्प्लांटेशन होता है जब आफ्टर ओव्यूलेशन थोड़ा सा ऐसे फील करिए जैसे आप प्रेग्नेंट हैं। बहुत सारी सावधानी रखिए, भारी वजन नहीं उठाना है और एकदम भागा दौड़ी वाले काम नहीं करने हैं, झटके वाले काम नहीं करने हैं, उबड़ खाबड़ एरिया पे नहीं जाना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी काइंड ऑफ फील करिए, हैप्पी रहिए, हैप्पी रहेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव 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 होंगी। खुश रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में, स्ट्रेस तो हर व्यक्ति भरा हुआ है, बट एक खुश रहेंगे तो एक पॉजिटिव वाली वाइब्स मिलती हैं आपके सामने वाले को और आपको भी ऑब्वियसली
रिफ्लेक्शन बैक तो होता ही है, तो आपको भी बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी अगर आप खुश रहते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए। खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप कंसीव कर लेते हो आपका बेबी बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होने वाला है। तो खुश रहिए, एक अच्छी वाली फीलिंग रखिए मन में और पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, आपको जो चीज़ अच्छी है म्यूज़िक सुनिए, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करिए, ताकि आपका स्ट्रेस बस्टर हो जाए, आप स्ट्रेस को एकदम छूमंतर कर दें। बिकॉज स्ट्रेस में भी एक आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है, इनफर्टाइल करता है, तो स्ट्रेस को ही भगाना है। बहुत सारा प्रेशर होता है आई नो फैमिली का कि आप प्रेगनेंसी के ऊपर, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इग्नोर करिए एंड अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ सही तो सब सही, ठीक है? तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ों का ध्यान रखिए जैसे मैंने बताया है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, और साथ ही साथ आप ल्यूटियल फेस योगा भी कर सकते हैं। ल्यूटियल फेस योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी फर्टिलिटी को भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है, ल्यूटियल फेस को भी काफ़ी हद तक इंप्रूव करता है। इफ़ यू वांट कि उससे भी डिटेल में वीडियो बनाया जाए, जस्ट लेट मी नो। फर्टिलिटी योगा होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आपके ल्यूटियल फेस को काफ़ी अच्छे से एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आपकी फर्टिलिटी के लिए, ठीक है? उसके बाद तो मेरे ख्याल से आपको विटामिन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया, विटामिन ई के सप्लीमेंट्स, ये सारे लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो आप एक दो महीने पहले से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए फॉलिक एसिड की। डाइट में ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लीजिए, मेडिसिन इफ़ यू वॉन्ट टू टेक यू कैन गो फॉर इट, बट इट्स बेटर टू गो फॉर द डाइट। और अगर नहीं हो रहा डाइट में, कुछ थोड़ी बहुत अप डाउन हो रहे हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा खाना, तो आप आराम से मेडिसिन की तरह फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन ई सकते हैं। विटामिन इज वेरी यूजफुल फॉर हेयर्स, फॉर हेल्थ, फॉर स्किन, तो यू विटामिन ई सप्लीमेंट्स को भी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये था वीडियो अबाउट इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करने के लिए कुछ टिप्स। तो होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, टेंशन बस्टर बनिए, स्ट्रेस बस्टर बनिए, ताकि नेगेटिविटी थोड़ी कम आए हमारे लिए, बिकॉज नेगेटिविटी आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फर्दर क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है? जल्दी नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक चैनल पर बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर।